प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 में प्रश्न वाली 8.3। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन में पहले वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें कितना दे रखा है मूलधन 26,400 रुपये और कितनी दे रखी है दर 15%। टाइम दे रखा है 2 वर्ष 4 महीने। इसे आप ऐसे भी ले सकते हो 2 सही 4/12। क्यों? क्योंकि टोटल महीने कितने होते हैं 12 और कितने महीने की बात कर रहा है 4। 4/12 में 4 का भाग जाता है 4 एकम 4, 4 3 12, या इसे आप 2 सही 1/3 वर्ष के रूप में भी लिख सकते हो। इसमें आपको ज्ञात करना होगा ढाई वर्ष का मिश्रधन, और मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, मूलधन 1+ दर/100 घात के रूप में आ जाएगा समय। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है मूलधन 26,400 मूलधन दे रखा है, फिर ब्रैकेट खोलेंगे उतारेंगे 1, आगे साइन दे रखा है प्लस का, कितनी दे रखी है दर क्वेश्चन में 15% और बटे में आ जाएगा 100, और कितना टाइम, इसमें टाइम है 2 से 1/3 वर्ष। इसको उतारेंगे 26,400, अब लिखेंगे 1+15/100 और ऐसा लिखेंगे हम 2 बार 1+15/100। अब कितना दे रखा है 1/3, तो हम लिखेंगे 1+15/100 और इंटू करा देंगे 1/3 से। आगे उतारते हैं 26,400, 1+15/100, इधर भी 1+15/100 आ जाएगा, 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार जाएगा, उतारेंगे 1, आगे साइन दे रखा है प्लस का, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 या 4 बटे में आ जाएगा 100। आगे उतारते हैं 26,400, इसके नीचे मानेंगे 1, इसी प्रकार इसके नीचे ही मानेंगे 1, इसके नीचे ही मानेंगे 1, इन दोनों का लक्ष्य पर कितना आ गया 100, 1 का भाग देंगे 100 में 100 बार जाता है, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है, आगे साइन दे रखा है प्लस का, फिर भाग देंगे 100 का 100 में 1 बार गया, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 आता है, इसी प्रकार इन दोनों का लक्ष्य पर कितना आ गया 100, फिर 1 का भाग देंगे 100 में 100 बार गया, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है, आगे साइन किसका है प्लस का, फिर 100 का भाग देंगे 100 में 1 बार, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 आता है। अब इन दोनों का लसप लेंगे, इनका लसप कितना आ गया 100, फिर 1 का भाग देंगे 100 में 100 बार गया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 ही आता है, आगे साइन किसका है प्लस का, फिर 100 का भाग देंगे 100 में 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 आता है। आगे उतारते हैं 26,400, अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115 और बटे में आ जाएगा 100, इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे 115 और बटे में आ जाएंगे 100, अब इन दोनों को जोड़ो 105 हो गया और बटे में हो गया 100, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना बचा 264 इंटू में हो जाएगा 115, फिर इंटू में 115 इंटू में 105 और नीचे कितना जाएगा 100 इंटू 100। आगे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 30,360, आगे साइन इंटू का है, इसी प्रकार इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 12,075, इसी प्रकार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 10,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें संख्या प्राप्त हो गई, अब भाग किसका देंगे 10,000 का, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, फिर 1 जीरो से 1 जीरो गई, फिर 1 जीरो से 1 जीरो गई, अब कितना बचा 366,597 बच गया, भाग किसका देंगे 10 का, तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट आ जाएगा, अतः कमला को 36,669.7 रुपये भुगतान करने पड़ेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, और जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसमें लिखेंगे पहले मूलधन 12,500 क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है 3 वर्ष और दर कितनी दे रखी है 12%, क्वेश्चन में से उतार लेंगे और हम ज्ञात करेंगे पहले फेबिना का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, इसका सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, तो इसमें मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12,500, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 12,500, अब करेंगे इंटू दर कितनी है 12% इंटू कितना है टाइम 3 वर्ष, तो 3 वर्ष लिख देंगे, अब क्या करेंगे, अब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना बचेगा 125 और इंटू में आ जाएगा 12 या 36, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 4,500 रुपये। अब करेंगे राधा का चक्रवर्ती ब्याज,
तो लिखेंगे पहले मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12,500, और कितना टाइम दे रखा है 3 वर्ष है, और दर दे रखी है 10%। और आपको ज्ञात करना है राधा का चक्रवृद्धि ब्याज। इसके लिए पहले आपको मिश्रधन ज्ञात करना होगा, और मिश्रधन का सूत्र सभी को पता है, मूलधन 1+ दर/100। ऊपर आ जाएगा समय, इसमें उतारेंगे पहले मूलधन कितना है क्वेश्चन में दे रखा है 12,500, फिर कोष्टक खोलेंगे, 1 उतार देंगे, आगे साइन किसका दे रखा है प्लस का, और कितनी दे रखी है दर 10%, और बटे में कितना आ जाएगा 100, और कितना टाइम है 3 वर्ष है, तो ऊपर कर देंगे 3 घात के रूप में, इसको उतारेंगे 12,500। अब इसके नीचे मानेंगे 1, और इन दोनों का लसअप लेंगे, इनका लसअप पे कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। अब 1 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा 100 बार, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 प्राप्त होंगे, आगे साइन किसका दे रखा है प्लस का। इसी प्रकार भाग देंगे 100 का 100 में, 1 बार जाता है, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 10 प्राप्त होते हैं, और घात के रूप में ऊपर कितने 3 आ जाएंगे, इसको उतारेंगे 12,500। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 110, और बटे में आ जाएगा 100, और घात के रूप में कितना है 3, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो कितना बचेगा, इसमें बचेगा आपके 11/10, और घात के रूप में आ जाएगा 3, इसको उतारेंगे 12,500। अब यहाँ पर कितना बचा 11/10, इसको खोलेंगे 3 बार, यानी 11/10 × 11/10 × 11/10। अब आगे करते हैं, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, इसमें फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो कितना बचेगा 125 × इस 11 को इस 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा, और इंटू में कितना है, इंटू में आ जाएगा 11, और बटे में कितना दे रखा है 10। इसी प्रकार 125 × 121 करते हैं तो हमें प्राप्त होंगे 15,125, और इंटू में कर देंगे 11, और बटे में कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे 1,66,375, और भाग किसका देंगे 10 का, तो हमें उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा मिश्रधन के रूप में 16,637.5 रुपये। ये आपका मिश्रधन आ गया। अब ज्ञात करेंगे राधा का चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है, मिश्रधन में से घटा देते हैं मूलधन को, और मिश्रधन कितना हमारे पास 16,637.5 रुपये, इसमें से घटाएंगे मूलधन जो क्वेश्चन में दे रखा है 12,500, इसको उतारेंगे 12,500, तो उत्तर कितना जाएगा बाकी करने पर 4,137.50 रुपये। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना और कितना अधिक करना है। अब हम करेंगे 4,500 में से घटा देंगे 4,137.50, और 4,500 क्या था आपका साधारण ब्याज का आंसर आया था 4,500, तो उत्तर कितना आ जाएगा 362.50 रुपये, अतः फेबिना 362.50 रुपये अधिक देती है राधा से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। यदि मैंने ये राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं साधारण ब्याज, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन कितना है 12,000 रुपये, और इसमें टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और कितनी है दर 6%। इसलिए अब ज्ञात करेंगे साधारण ब्याज, इसका सूत्र सभी को पता है क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में आ जाएगा 100। इसमें मूलधन दे रखा है 12,000 रुपये इंटू करेंगे फिर कितनी है दर, इसमें दर दे रखी है 6%, यहाँ कर देंगे 6, इंटू करेंगे समय, अब कितना है समय 2 वर्ष, और बटे में आ जाएगा 100, अब कट जाएगी 2 0 से 2 0, तो कितना बचेगा 120 बच जाएगा, इंटू करेंगे 6 × 2 कितना होता 12, इन 120 × 12 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 1,440 रुपये। इस प्रकार आपका साधारण ब्याज निकल गया। अब निकालेंगे इसका चक्रवृद्धि ब्याज, इसका सूत्र होता है मूलधन 1+ दर/100, ऊपर आ जाएगा समय घात के रूप में, यानी इसमें मूलधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में 12,000 रुपये, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, 1 उतारेंगे, आगे साइन दे रखा है प्लस का, और कितनी है दर क्वेश्चन में 6%, यानी 6/100 कर देंगे, और घात करेंगे 2, आगे उतारते हैं 12,000, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, इसके नीचे मानेंगे 1, अब इन दोनों का लसअप लेंगे तो कितना आ जाएगा 100, फिर 1 का भाग देंगे 100 में, तो कितनी बार जाता है 100 बार, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 100 ही प्राप्त होता है, आगे साइन किसका दे रखा है प्लस का। इसी प्रकार हम भाग देंगे 100 का 100 में, 1 बार जाता है, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 ही आता है, और घात के रूप में आ जाएंगे 2, आगे करते हैं उतारेंगे 12,000, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 100+6 कितने होते हैं 106, और बटे में कितना आ जाएगा 100, इसमें घात कितनी दे रखी है 2, इसका मतलब होता है इसको 2 बार खोलेंगे 106/100 × 106/100, आगे उतारेंगे 12,000 × 106/100 × 106/100, इसमें 2 0 से 2 0 कट जाएगी, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो कितना बचेगा 12 × 106 × 106, और बटे में कितना जाएगा 10,
अब उतारते हैं 12 इंटू करेंगे 106 इंटू 106 तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 11,236 और बटे में आ जाएंगे 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होती है 1,34,832 आ जाएंगे। 1,34,832 में भाग देंगे 10 का तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 13,483.2 रुपये। अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। आपको पता है टोटल जो मिश्रधन हमें प्राप्त हुआ है उसमें से घटा देंगे मूलधन को, और मिश्रधन कितना हमारे पास 13,483.2 रुपये में से घटाएंगे मूलधन कितना है क्वेश्चन में 12,000 रुपये, तो बाकी करेंगे तो हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे 1,483.20। यानी इसमें आपके साधारण ब्याज कितना था 1,440 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 1,483.20। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अतिरिक्त राशि का भुगतान कितना करना पड़ेगा, तो हम ज्ञात करेंगे अतिरिक्त राशि कैसे निकालेंगे 1,483.20 में से घटा देंगे 1,440 को तो हमें प्राप्त हो जाएगा 43.20 रुपये। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 रुपये का निवास किया, यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 6 महीने के अंत में एक वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन कितना 60,000 रुपये और कितनी दर दे रखी है 12%, और इसमें खास बात ध्यान रखना इसमें दे रखा है अर्धवार्षिक संयोजित होता है ब्याज। यानी अर्धवार्षिक का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि इसमें टाइम हो जाता है 2 गुना और आपकी दर हो जाएगी आधी। इसका पहला क्वेश्चन है 6 महीने के अंत में कुल राशि ज्ञात करनी है आपको, इसमें मूलधन कितना है क्वेश्चन में 60,000 रुपये और कितनी थी दर 12%, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है अर्धवार्षिक ब्याज दे रखा है तो इसकी दर हो जाएगी आधी। यानी 12 × 1/2 करते हैं तो कितना आता है 6, तो इसकी दर कितनी हो जाएगी 6%, और इसमें टाइम कितना था इसमें टाइम था 6 महीने, इसका करेंगे 2 गुणा यानी 12 महीने हो जाएंगे, और 12 महीने में कितने वर्ष होते हैं 1 वर्ष होते हैं। अब ज्ञात करेंगे मिश्रधन, और मिश्रधन का सूत्र सभी को पता है मूलधन 1+ दर/100 ऊपर आ जाएगा समय। यानी इसमें कितना है मूलधन 60,000 रुपये, कोष्ठक खोलेंगे 1+ फिर कितनी दे रखी है दर क्वेश्चन में देखेंगे इसमें दर है 6% और बट्टे में आ जाएगा 100 और कितना टाइम दे रखा है इसमें टाइम है 1 वर्ष तो हम यहाँ लगा देंगे 1 घात के रूप में। अब उतारेंगे 60,000, अब इसके नीचे मानेंगे 1, अब इन दोनों का लसअप लेंगे, इसका लसअप कितना आ जाएगा 100। अब क्या करेंगे इस 1 का भाग देंगे 100 में, 100 बार जाएगा और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा 100 प्राप्त होता है। आगे साइन किसका दे रखा है प्लस का, इसी प्रकार भाग देंगे 100 का 100 में 1 बार तो कितना आ जाएगा 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आता है। अब इसको उतारेंगे 60,000, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा करना होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 106 और बटे में आ जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा इसमें बच जाएगा 600 × 106, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 63,600 रुपये। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 वर्ष के अंत में कुल राशि, यानी इसमें टाइम कितना दे रखा है 1 वर्ष तो कितना हो जाएगा 2 गुणा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है अर्धवार्षिक ब्याज वो इसमें दरादी हो जाती है और टाइम हो जाता है 2 गुणा। यानी टाइम इसमें 1 वर्ष दे रखा है तो कितने वर्ष हो जाएंगे 2 वर्ष, और इसमें दर कितनी दे रखी है 12% तो आधी कितनी हो जाएगी 6%, और मूलधन दे रखा है क्वेश्चन में 60,000। अब ज्ञात करेंगे मिश्रधन, और मिश्रधन ज्ञात करने का सभी पता सूत्र क्या होता है 60,000 कर देंगे पहले मूलधन के रूप में, फिर 1+ कितनी है दर 6% और बटे में कितना आ जाएगा 100 और टाइम कितना दे रखा है 2 जो आपके घात के रूप में आ जाएगा। इसको उतारेंगे 60,000, फिर इसके नीचे मानेंगे 1, अब इन दोनों का लसअप लेंगे, इनका लसअप कितना आ जाएगा 100, फिर 1 का भाग देंगे 100 में, 100 बार जाएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है 100 ही आता है। आगे साइन किसका आएगा प्लस का, फिर 100 का भाग देंगे 100 में 1 बार जाता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 ही आता है और घात के रूप में आ जाएगा 2। इसको उतारेंगे 60,000 * अब इन दोनों को जोड़ो तो कितने प्राप्त हो जाएंगे 106 बटे में आ जाएगा 100, और इस घात का मतलब होता है इसको 2 बार खोलेंगे 106/100 × 106/100। अब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना बचेगा इसमें बच जाएगा 6 × 106 × 106, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 11,236 * में आ जाएगा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 67,416 रुपये। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व होता है।
इसका क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की 10% वार्षिक दर है तो 1.5 वर्ष बाद उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशियों में अंतर ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज, इसमें टोटल 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसका पहला क्वेश्चन वार्षिक संयोजित होता है और दूसरा अर्धवार्षिक संयोजित होता है। इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन वार्षिक संयुक्त होता है तो लिखेंगे दिया हुआ है। इसमें कितना है मूलधन 80,000 रुपये और कितनी दर दे रखी है 10% और टाइम कितना है, इसमें टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष और इसका पहला क्वेश्चन वार्षिक संयुक्त होता है। इसको सोल्व करने के लिए आपको मिश्रधन का सूत्र आना चाहिए। मिश्रधन का सूत्र सभी को पता है, मूलधन 1+ दर/100 ऊपर आ जाएगा समय। तो हम उतारेंगे पहले मूलधन कितना है 80,000 रुपये, कोष्ठक खोलेंगे, 1 उतार देंगे, साइन दे रखा है प्लस का और कितनी है दर 10% और बटे में आ जाएगा 100 और यहाँ पर टाइम कितना है 1.5 वर्ष यानी 1 से 1/2 वर्ष कर देंगे। इसको उतारेंगे 80,000, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, 1+ कितना है 10/100 कर देंगे यानी एक बार खोल लिया। अब कितनी बार खोलेंगे, आधी बार यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1+10/100 उतारेंगे पहले इंटू 1/2 करेंगे, आगे उतारेंगे 80,000, 1+ कितना 10/100 है। अब इस 2 का भाग 10 में जा रहा है, 5 बार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 7/100 में आ जाएगा 100। आगे करते हैं 80,000, इसके नीचे क्या मानोगे 1, इन दोनों का लशअप कितना आएगा, इनका लशअप आ जाएगा 100। 1 का भाग देंगे 100 में, 100 बार जाएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 100 प्राप्त होते हैं। आगे साइन दे रखा है प्लस का, फिर 100 का भाग देंगे 100 में, 1 बार जाएगा, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्राप्त होंगे। इसी प्रकार इसके नीचे मानोगे 1, अब इनका लशअप लोगे, इनका लशअप कितना आ गया 100 आ गया, फिर 1 का भाग दोगे 100 में, 100 बार जाएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आता है। आगे साइन किसका है प्लस का, फिर 100 का भाग 100 में 1 बार जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इसको उतारेंगे 80,000, अब इन दोनों को जोड़ोगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 110 और बटे में आ जाएगा 100। इसी प्रकार इसको जोड़ो 105 हो गया और बटे में आ गया 100। आगे करते हैं, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कितना बचेगा 8 इंटू ऊपर कितना दे रखा है 110 इंटू 105 दे रखा है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 से इंटू 105 करते हैं तो हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे 92,400 रुपये, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है अर्धवार्षिक संयुक्त होता है और मैंने बता रखा है जहाँ पर अर्धवार्षिक ब्याज लिखा हुआ आ जाए आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। और पहली बात कौन सी है, आपको टाइम को करना है 2 गुना और जो आपकी दर है क्वेश्चन में दे रखी है उसको करेंगे आधी यानी मूलधन कितना है 80,000 रुपये और कितनी दर थी पहले 10% इसके कर देंगे आधी यानी 5% हो जाएगी। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 5%। इसी प्रकार टाइम कितना था 1.5 वर्ष तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 वर्ष हो जाएगा। अब जैसे 1 से 1/2 है, कौन से भिन्न है मिश्र भिन्न, इसको बनाएंगे साधारण भिन्न तो क्या करेंगे पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है, 2 और 1 कितना होता है 3/2 हो गया इंटू में आ जाएगा 2, फिर 2 से 2 कटेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा 3 वर्ष। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें टाइम कितना दे रखा है 1.5 वर्ष तो 2 गुना कितना होता है 3 वर्ष। अब इसमें मिश्रधन याद करेंगे, इसमें वही सूत्र है a बराबर क्या होता है P 1+R/100 ऊपर आ जाएगा T यानी P का मतलब हम लेंगे मूलधन और कितना है मूलधन 80,000, फिर ब्रैकेट खोलेंगे 1 उतारेंगे, रेट यानी दर कितनी दे रखी है 5% और बटे में कितना आ जाएगा 100 और टाइम कितना है 3 वर्ष यानी घात के रूप में आ जाएगा 3। इसी प्रकार 80,000 उतारेंगे, इसके नीचे मानेंगे 1, अब इन दोनों का लशअप लेंगे, इनका लशअप कितना आ गया 100, फिर 1 का भाग देंगे 100 में, 100 बार जाता है और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 प्राप्त होते हैं। आगे साइन किसका दे रखा है प्लस का, उतार दिया प्लस, फिर 100 का भाग देंगे 100 में, 1 बार जाता है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 आते हैं और घात के रूप में आ जाएगा 3। इसी प्रकार इसको उतारेंगे 80,000 इंटू इन दोनों को जोड़ो 105 हो गया बटे में आ गया 100, इस 3 का मतलब होता है इसको 3 बार खोलना है 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100। अब आगे करते हैं, इसमें कट जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो कितना बचा 8 इंटू 105 इंटू 105 करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 11,025 इंटू में कितना आ जाएगा 105 और बट्टे में कितना आ गया 100। अब आगे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 88,200 इंटू में कितना है 105 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100।
फिर इसमें दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी तो कितना बचा 882 × 105। 882 × 105 करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 92,610 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन दोनों में अंतर पूछ रहा है, और अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। यानी जो अर्धवार्षिक का मान कितना आया था 92,610, और वार्षिक का कितना था 92,400। तो बाकी करेंगे हम, इसमें आपको ज्ञात करना है मिश्रधन में अंतर, और अर्धवार्षिक का मान कितना था 92,610, और वार्षिक का कितना था 92,400। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 210 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया, उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि का ब्याज का भुगतान किया जाएगा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त होता है तो। इसमें आपके दो क्वेश्चन हैं, दो वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात करनी है, और दूसरा क्वेश्चन है तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, दो वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है 8,000, और कितनी दे रखी है दर 5%, और टाइम कितना दे रखा है दो वर्ष। इसमें आपको ज्ञात करना पड़ेगा दो वर्ष के बाद का मिश्रधन, और मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, इसमें होता है मूलधन 1+ दर/100, ऊपर आ जाएगा समय घात के रूप में। यानी मूलधन कितना है 8,000, ब्रैकेट खोलेंगे, 1 उतार देंगे, साइन प्लस का है, फिर कितनी दे रखी है दर 5% है, 5 कर देंगे बटे में आ जाएगा 100, और कितना टाइम दे रखा है 2 वर्ष। आगे उतारेंगे 8,000, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, इसके नीचे मानोगे आप 1, अब इन दोनों का लसअप कितना जाएगा 100, उतार दिया 100, यहाँ पर 1 का भाग देंगे, 100 में 100 बार जाता है, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 ही आता है, आगे साइन किसका आएगा प्लस का, फिर 100 का भाग देंगे 100 में 1 बार, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 आता है। आगे करते हैं 8,000 × अब इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 105, और बटे में आ जाएगा 100। इस दो का मतलब है इसको दो बार खोलेंगे 105/100 × 105/100। आगे करते हैं, इसमें कट जाएगी दो जीरो से दो जीरो कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, कितना बचेगा 8 ऊपर × 105/105, और बटे में कितना आ जाएगा 10, इसको उतार देंगे यहाँ पर 10। आगे करते हैं, 8 को उतारेंगे, अब करेंगे 105/105, तो कितना प्राप्त होगा 11,025, बटे में आ जाएगा 10। 8 × 11,025 करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 88,200, और बाकी किसका देंगे 10 का, 1 0 से 1 0 कटेगी, तो उत्तर कितना आ जाएगा 8,820 रुपये। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना हो जाएगा 8,820 रुपये। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात। अब पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन में मूलधन कितना दे रखा है 8,820 रुपये, और टाइम कितना है, इसमें 1 वर्ष हो जाएगा, तीसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, यानी 2 वर्ष के पहले थे और तीसरा वर्ष एक और, यानी 1 वर्ष बढ़ गया, तो टाइम कितना हो गया 1 वर्ष, और कितनी दे रखी है दर 5%। तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना, और कौन सा ब्याज ज्ञात करना, आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है, और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, मूलधन दर समय। इसमें मूलधन कितना है 8,820 करेंगे, दर कितनी है 5% × समय कितना है 1 वर्ष, और बटे में आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो कितना बचेगा 882 में कर देंगे 5, और बटे में आ जाएगा 10। आगे करते हैं 882 × 5/10, 5 का भाग 10 में जा रहा है 2 बार, तो कितना बचेगा 882 / 2, आ जाएगा 2। अब 2 का भाग देंगे 882 में, तो कितना प्राप्त होगा 441 रुपये, अर्थात तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 441 रुपये। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होता है। इसका पढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 10,000 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, और कुल राशि ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है, क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन में पहले वो बातें लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखी है। इसमें कितना है मूलधन 10,000 रुपये, और कितनी दे रखी है दर 10%, और टाइम कितना दे रखा है 1.5 वर्ष, और क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज व कुल राशि, और कुल राशि का मतलब सभी जानते हो आप लोग, यानी क्या होता है मिश्रधन होता है। इस क्वेश्चन में दे रखा है अर्धवार्षिक ब्याज, और मैंने आपको पहले बता दिया था जहाँ पर अर्धवार्षिक ब्याज आ जाता है वहाँ पर आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। इसमें दो बातें कौन कौन सी मैं बता देता हूँ, यानी इसमें जो आपको टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष, वो हो जाएगा 2 गुना, और 2 गुना का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और एक कौन से बिन है मिसर बिन, इसको किस में करेंगे चेंज साधारण बिन में, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 आता है।
एक जोड़ देंगे, 3/2 हो गया, इंटू करेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 वर्ष। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, यानी 1.5 वर्ष का 2 गुना कितना होता है 3 वर्ष। यदि क्वेश्चन में अर्धवार्षिक ब्याज दे रखा है तो दर हो जाती आधी, यानी इसमें कितनी दे रखी है, दर है 10, तो आधी कितनी हो जाएगी 5%। तो हम कर देंगे 10 × 1/2, तो कितना आ जाएगा 5%। अब इसमें ज्ञात करेंगे मिश्रधन अर्थात कुल राशि, इसका सूत्र सभी को पता है। इसमें आएगा पहले मूलधन, फिर ब्रैकेट खोलेंगे 1+ दर/100, ऊपर आ जाएगा समय घात के रूप में। अब इन मानों को करेंगे फिट सूत्र में, यानी कितना दे रखा है मूलधन क्वेश्चन में 10,000 रुपये, उतार दिया मैंने 10,000 रुपये। फिर ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोल लिया, 1 उतारेंगे, आगे साइन किसका दे रखा है, प्लस का। फिर कितनी दे रखी है दर 5%, 5 आ गया 1/2 में आ जाएगा 100। और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, यानी घात के रूप में आ जाएगा 3। आगे करते हैं, इसको उतारेंगे 10,000 रुपये, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, इसके नीचे मानेंगे 1, अब इन दोनों का लसअप लेंगे, इनका लसअप कितना आ जाएगा 100। फिर क्या करेंगे, 1 का भाग देंगे 100 में, 100 बार जाएगा, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है, आगे साइन किसका है, प्लस का। इसी प्रकार भाग देंगे 100 का, 100 में 1 बार गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 आते हैं, और घात के रूप में आ जाएगा 3। आगे उतारते हैं 10,000 रुपये, इंटू कर देंगे, अब इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 105, और 1/2 में कितना आ जाएगा 100, और घात के रूप में कितना आ जाएगा 3। आगे करेंगे, इसको उतारेंगे 10,000 इंटू, अब ये दोनों संख्या 5 से कट रही है, यानी 5 का भाग 105 में देंगे, कितनी बार गया 21 बार। इसी प्रकार 5 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाएगा 20 बार, और घात के रूप में कितना आ जाएगा 3। अब उतारेंगे 10,000 इंटू 21/20 को खोलेंगे 3 बार, कैसे, 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, 1 0 से 1 0 कट गई, इसी प्रकार फिर 0 से 0 कट गई, फिर 0 से 0 कट गई, ऊपर कितना 10 × 21 × 21 × 21 करते हैं कितना आ जाता है 441 इंटू करेंगे 21, और 1/2 में कितना बचा 2 × 2 × 2, इसको यहाँ उतार दिया 2 × 2 × 2, इस 2 का भाग 10 में जा रहा है कितनी बार 5 बार, तो ऊपर कितना बचा 5 × 441 × 21, और 1/2 में कितना आ गया 2 × 2 = 4। अब 5 × 441 करते हैं कितना प्राप्त हो जाएगा 2205, इंटू में हो जाएगा 21, 1/2 में हो जाएगा 4। अब करेंगे 2205 × 21, तो हमें प्राप्त होगी संख्या 46,305, और भाग किसका दोगे आप 4 का। अब 4 का भाग इसमें दोगे तो हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हो जाएगा 11,576.25 रुपये। इस प्रकार कुल राशि कितनी आ गई 11,576.25 रुपये। अब ज्ञात करेंगे चक्रवर्ती ब्याज, और चक्रवर्ती ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं सभी जानते हैं, मिश्रधन में से घटा देते हैं मूलधन को, और मिश्रधन हमारे पास कितना आया 11,576.25, इसमें से घटाएंगे मूलधन कितना है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दे रखा है 10,000 रुपये, उतारेंगे 10,000, अब बाकी करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 1,576.25 रुपये। इस प्रकार चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 1,576.25 रुपये, अतः क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, यदि राम 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.5% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन में पहले वो लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है, यानी क्वेश्चन में कितना दे रखा है मूलधन 4,096 रुपये, और टाइम कितना दे रखा है 18 महीने। आप सभी जानते हो 18 महीने में कितने वर्ष होते हैं 1.5 वर्ष, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो कितना हो जाएगा 18 महीने में 1.5 वर्ष। और ये कौन से भिन्न है, ये भिन्न आपके मिश्र भिन्न, इसको करेंगे चेंज साधारण भिन्न में। इसको साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 1 कितना होता है 3/2 में आ जाएगा 2, इसे आप 3/2 वर्ष भी कह सकते हो। इसमें दर दे रखी 12.5%, और ये कौन सी भिन्न है मिश्र भिन्न, इसको किस में करेंगे चेंज साधारण भिन्न में, कैसे करते हैं 12 × 2 = 24, 1 कितना हो गया 25/2%। इसमें दिया हुआ है ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, और मैंने आपको बता रखा है जहाँ पर क्वेश्चन में अर्धवार्षिक ब्याज आ जाए तो आपको क्या करना है, टाइम को करना है 2 गुना, यानी 3/2 वर्ष है, इसको 2 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, इसमें लिखेंगे 3/2 × 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, कितने वर्ष आ जाएंगे 3 वर्ष। अब दूसरी शर्त क्या थी, अगर क्वेश्चन में अर्धवार्षिक ब्याज आ जाए तो हम करते हैं दर को आधी, इसमें कितनी दे रखी है दर 25/2, इसको 1/2 से गुणा कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 25 से कम 25, और 1/2 में कितना आ जाएगा 2 × 2 =
चार। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है राम कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, यानी आपको कुल राशि ज्ञात करनी है यानी मिश्रधन ज्ञात करना है। और मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र सभी जानते हो, मूलधन एक प्लस दर बटे सो ऊपर आ जाएगा समय, यानी क्वेश्चन में कितना दे रखा है मूलधन 4000 छिन्न में, इसको उतार देंगे 4000 छिन्न में, फिर ब्रैकेट खोलेंगे एक उतारेंगे, आगे साइन किसका है प्लस का, और कितनी दे रखी है दर 25/4 हो गई थी, 25/4 कर दिया, इंटू करेंगे 100 से, और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, घात के रूप में कितना जाएगा 3 वर्ष, इसको उतारेंगे 4000 छिन्न में, ब्रैकेट खोलेंगे आगे उतारेंगे एक प्लस 25 और बटे में कितना जाएगा 100 × 4 करते हैं हमें 400 प्राप्त होते हैं, और घात के रूप में कितना जाएगा 3, आगे उतारते हैं 4000 छिन्न में, फिर ब्रैकेट खोलेंगे एक प्लस कर देंगे, इन दोनों संख्याओं में 25 का भाग जा रहा है यानी 25 का भाग 25 में देंगे एक बार जाएगा, फिर 25 का भाग 400 में देंगे तो कितनी बार जाता है 16 बार, और घात के रूप में आ जाएगा 3, आगे उतारेंगे 4000 छिन्न में, इसके नीचे मानेंगे एक, अब इन दोनों का लशप है लेके, इनका लशप है कितना जाएगा 16, अब क्या करेंगे इस एक का भाग देंगे 16 में, 16 बार जाता है, फिर 16 को एक से मल्टीप्लाई करते हैं हमें 16 ही प्राप्त होते हैं, आगे साइन किसका दे रखा है प्लस का, फिर 16 का भाग देंगे 16 में एक बार, एक को एक से मल्टीप्लाई किया एक ही आता है, घात के रूप में आ जाएगा 3, आगे करते हैं 4000 छिन्न में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे कितने 17, और बटे में आ जाएंगे 16, इसको खोलेंगे 3 बार यानी इसको उतार देंगे 17/16 आगे करते हैं, अब भाग देंगे इस 16 का 4000 छिन्न में कितनी बार जाता है 256 बार, यानी उतार देंगे 256 इंटू करेंगे 17 × 17 तो कितने प्राप्त होते हैं 289 इंटू में कर देंगे 17, और बटे में कितना बचा 16 × 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हमें कितना प्राप्त होता है 256, आगे करते हैं, अब 256 से 256 कट जाएगा तो कितना बचेगा 289 × 17, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 4913 रुपये। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 4913 रुपये, इसे आप हिंदी में लिख सकते हो अथ राम 4913 रुपये प्राप्त करेगा। इसका पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका पहला क्वेश्चन है वर्ष 2001 में जनसंख्या ज्ञात करनी है, और दूसरा क्वेश्चन है वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। इसका पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, हम जनसंख्या को मूलधन मान लेंगे, और मिश्रधन कितना दे रखा है 54,000, और कितनी दर दे रखी है 5%, टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, और हमें ज्ञात करना है वर्ष 2001 में जनसंख्या, और हमने जनसंख्या को क्या माना क्वेश्चन में मूलधन मान लिया। इसमें लगाएंगे मिश्रधन का सूत्र, यानी मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन एक प्लस दर बटे सो ऊपर आ जाएगा समय घात के रूप में। इस क्वेश्चन में आपको मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, आगे उतारेंगे मिश्रधन कितना दे रखा है 54,000, इसके बराबर मूलधन कर देंगे क्योंकि मान नहीं दे रखा, उतार देंगे मूलधन, फिर ब्रैकेट खोलेंगे एक प्लस कितनी दे रखी है इधर क्वेश्चन में 5%, यानी 5/100 कर देंगे, ऊपर आ जाएगा समय घात के रूप में, उतारेंगे 54,000, इसके बराबर मूलधन उतार देंगे, इसके नीचे मानेंगे एक, अब इन दोनों का लशप कितना हो गया, इन दोनों का लशप आ गया 100, अब क्या करेंगे इस एक का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाता है 100 बार, और 100 को एक से गुणा करते हैं हमें 100 ही प्राप्त होते हैं, आगे साइन किसका दे रखा है प्लस का, इसी प्रकार फिर 100 का भाग देंगे 100 में, एक बार गया, एक को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 आता है, और घात के रूप में आ जाएगा 2, इसको उतारेंगे 54,000, इसके बराबर कितना है मूलधन इंटू, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 100+5 यानी 105 हो गए, और बटे में कितना आ गया 100, और घात के रूप में कितना आ जाएगा 2, इसको उतारेंगे 54,000, इसके बराबर मूलधन कर देंगे। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है उसका भाग इन दोनों संख्याओं में जाए उससे संख्या का छोटा रूप हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 5 ऐसी संख्या है इसका भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, 5 का भाग देंगे 105 में, कितनी बार गया 21 बार, इसी प्रकार 5 का भाग देंगे 100 में, कितनी बार जाता है 20 बार, और घात के रूप में कितना जाएगा 2, आगे उतारते हैं 54,000, इसके बराबर करेंगे मूलधन इंटू 21/20 को खोलेंगे 2 बार, 21/20 इंटू 21/20,
और बीच में साइन किसका दे रखा है, दोनों के बराबर का, यानी दोनों संख्याएं बराबर है। आपको क्या करना है, मूलधन इंटू 21/20 इंटू 21/20 इस प्रकार लिखना है और इसके बराबर करना है 54,000। बात तो वही है, जैसे 1 + 3 करते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं, 4, और बीच में साइन किसका है, बराबर का, क्योंकि दोनों संख्याएं बराबर ही तो है। अगर इसे मैं ऐसे लिखूँ 2 + 1 + 1, यानी 4 तो प्राप्त हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। इसी प्रकार ये दोनों संख्याएं बराबर है, इसको उतार लिया पहले मैंने मूलधन इंटू 21/20 इंटू 21/20 बराबर कर दिया 54,000। और हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है जनसंख्या के रूप में, यानी उतार दिया मूलधन, इसके बराबर कितना दे रखा है पहले उसको उतारना है, इसमें दे रखा है 54,000 इंटू में कर देंगे 20 × 20, यानी जो संख्या ऊपर चली जाएगी किसमें हो जाएगी, गुणे में, और नीचे वाली संख्या हो जाएगी भाग में, 21 × 21 आ जाएगा नीचे। अब आगे करते हैं, अब करेंगे 54,000 × 20 × 20, यानी 54,000 × 20 × 20 करते हैं तो हमें कितने प्राप्त होते हैं, 2,16,00,000, और भाग देंगे 21 × 21, यानी 441 का, 441 का भाग देंगे 2,16,00,000 में तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 48,989.59, या इसे आप 48,980 भी कर सकते हो क्योंकि पास में ही तो है 79.5980 के। अतः वर्ष 2001 में कुल कितनी जनसंख्या थी, 48,980। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, 2 वर्ष बाद 2005 में जनसंख्या, यानी इसमें आपको ज्ञात करना पड़ेगा मिश्रधन, 2 वर्ष बाद 2005 में जनसंख्या पूछ रहा है, इसमें टाइम कितना हो गया 2 वर्ष, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है दर 5%, और मूलधन दे रखा था 54,000, और हमें ज्ञात करना है क्या, मिश्रधन। इसका सूत्र सभी जानते हो क्या होता है, मूलधन 1 + दर / 100, ऊपर आ जाएगा समय। मूलधन कितना है 54,000, क्वेश्चन में दे रखा है, ब्रैकेट खोलेंगे, 1 + करेंगे, दर कितनी है 5/100 हो जाएगा, और घात के रूप में कितना आ जाएगा, टाइम 2 वर्ष, उतारेंगे 54,000, 1 + 5/100 है, इनमें 5 का भाग जा रहा है, दोनों संख्याओं में 5 × 5, 5 का भाग 100 में देंगे तो 20 प्राप्त होता है, घात के रूप में आ जाएगा 2। आगे करते हैं, 54,000 उतारेंगे, इसके नीचे मानेंगे 1, इन दोनों का लशप कितना हो जाएगा 20, 1 का भाग देंगे 20 में, 20 बार जाता है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 प्राप्त होता है, आगे साइन दे रखा है प्लस का, फिर 20 का भाग देंगे 20 में, 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा करते हैं, 1 ही आता है, और घात के रूप में आ जाएगा 2। इसी प्रकार आगे उतारेंगे 54,000, अब इन दोनों के जोड़ेंगे, 20 रे कितना हो गया 21, और बटे में कितना है 20, इसी प्रकार 21/20 कर देंगे, 2 बार खोलेंगे इसको, 21/20 × 21/20, आगे करते हैं, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कितना बचा ऊपर 540, उतार दिए 540, 21 × 21 करते हैं कितना आ जाता है 441, और बटे में कितना हो जाएगा 2 × 2। अब भाग देंगे 4 का 540 में, कितनी बार जाएगा 135 बार, इंटू कर देंगे 441 से, तो हमें कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी, 69,535। अतः 2005 में जनसंख्या कितनी थी, 69,535। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की 2.5 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन में पहले वो बातें लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखी है, यानी प्रारंभ में बैक्टीरिया की संख्या कितनी है 5,06,000, और कितनी दे रखी है दर 2.5, इसे हम 25/10 भी कर सकते हैं, इसमें टाइम दे रखा है 2 घंटे, उतार देंगे 2 घंटे, और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या आपको ज्ञात करनी है। इसको ज्ञात करने के लिए आपको मिश्रधन का सूत्र लगाना पड़ेगा, आप सभी मिश्रधन का सूत्र तो जानते ही हो क्या होता है, मूलधन 1 + दर / 100, ऊपर आ जाएगा टाइम यानी समय, यानी कितना दे रखा है मूलधन के रूप में, मानते हैं बैक्टीरियों की संख्या कितनी है 5,06,000, उतार देंगे, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, 1 उतार देंगे, और दर कितनी दे रखी है 25%, 25 कर देंगे और बटे में आ जाएगा 100, यानी 25 नहीं थी 2.5 थी, तो इसकी माना था 25/10, यानी 25/10 इंटू 100 हो गया, और टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, यहाँ उतार देंगे 2 वर्ष, आगे उतारेंगे 5,06,000, आगे ब्रैकेट खोलेंगे, 1 उतारेंगे, आगे साइन प्लस का है, उतारेंगे 25, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1,000, और घात के रूप में आ जाएगा 2,
यानी 5,06,000 उतारेंगे, फिर ब्रैकेट आ जाएगा, एक प्लस करेंगे 25/1,000 में किसका भाग जाता है, 25 का भाग जा रहा है, यानी 25 का भाग 25 में देंगे एक बार, फिर 25 का भाग देंगे 1,000 में 40 बार, घात के रूप में आ जाएगा 2। यानी 5,06,000 इसके नीचे मानेंगे 1, इन दोनों का लसअप कितना आ गया 40, एक का भाग देंगे 40 में 40 बार जाता है, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 ही आएगा, आगे साइन किसका है प्लस का। इसी प्रकार भाग देंगे 40 का 40 में, एक बार जाता है, एक को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 ही प्राप्त होता है, घात के रूप में आ जाएगा 2। आगे उतारते हैं 5,06,000 इंटू, अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 40 और 1 41, बट्टे में आ गया 40, इसको खोलेंगे दो बार कैसे, 41/40 इंटू 41/40। आगे करते हैं 10 से 10 कट जाएगी, इसी प्रकार 10 से 10 फिर कट जाएगी, अब कितना बचा 5,060 इंटू 41 और बटे में कितना जाएगा 4 × 4। आगे करते हैं 5,060 इंटू, अब करेंगे 41 × 41 तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1,681 और बटे में कितना आ जाएगा 4 × 4 करते हैं तो 16। अब करेंगे 5,060 इंटू 1,681 तो हमें कितनी संख्या प्राप्त होती है 85,05,860 और बटे में कितना आ जाएगा 16। अब भाग देंगे इस 16 का 85,05,860 में तो हमें कितनी संख्या प्राप्त हो जाएगी 5,31,616.25। इसे आप 5,31,616 भी कर सकते हो। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कितना हो जाएगा 5,31,616। इसका अंतिम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का मतलब होता है इसमें कमी होना। एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी आपको इसमें एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है और क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन के रूप में 42,000, तो पहले लिखेंगे दिया हुआ है। इसमें कितना दे रखा है मूलधन, इसमें मूलधन दे रखा है 42,000 और वार्षिक दर कितनी दे रखी है 8%, वार्षिक दर 8%। इसमें टाइम दे रखा है एक वर्ष हमें ज्ञात करना है एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य। इसके लिए आप क्या करोगे, मिश्रधन का सूत्र प्रयोग करोगे और मिश्रधन का सूत्र सभी जानते हो क्या होता है। इसमें आता है पहले मूलधन, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, एक प्लस आगे लिखेंगे दर बटे 100 और यहाँ पर आ जाएगा टाइम, यानी जो समय होता है आपका यहाँ पर कर देंगे समय। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है अवमूल्यन, यानी इसमें हो गई कमी तो हम यहाँ कर देंगे माइनस, इतना सा चेंजिंग करना आपको। आगे लिखेंगे मूलधन कितना है क्वेश्चन में 42,000 रुपये, तो हम यहाँ उतारेंगे 42,000, फिर ब्रैकेट खोलेंगे, एक उतार देंगे, आगे साइन किसका दे रखा है माइनस का, और कितनी है दर इसमें 8%, 8/ कर देंगे 100, ऊपर आ जाएगा समय एक वर्ष। आगे करेंगे, उतारेंगे 42,000, इसके नीचे मानेंगे एक, अब इन दोनों का लसअप लें कितना आ जाएगा लसअप है, इनका लसअप आ जाएगा 100। अब क्या करेंगे, इस एक का भाग देंगे, 100 में 100 बार जाएगा और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 100 ही आता है, आगे साइन किसका है माइनस का। इसी प्रकार भाग देंगे 100 का 100 में एक बार, तो 1 × 8 करेंगे तो कितना आता है 8 ही आता है, और इस एक का मतलब होता है एक बार खोलेंगे। अब इसको उतारते हैं 42,000, अब करेंगे बाकी तो कितना बच जाएगा 92 बटे में आ जाएंगे 100 और घात आ जाएगी 1। आगे करेंगे 42,000, इस ब्रैकेट का मतलब सभी को पता मल्टीप्लाई करना होता है, यानी इसका हो जाएगा 92/100 और इसको एक बार खोलेंगे तो इसको एक बार कर दिया 92/100। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा 420 × 92। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 38,640 रुपये, यानी इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 38,640 रुपये। आप इसे हिंदी में लिख सकते हो, एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 रुपये हो जाएगा, एक वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640 हो जाएगा।